बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो मैं आया था उस वक्त जो तापमान था उससे बहुत नीचे है। आज कोई भी बात ने आज ही देखा होगा, यही जिसको बोलते हैं रामविलास पासवान, इनके दरवाजे पर खड़ा रहा, इन्होंने दरवाजा नहीं खोला था, अब वो बातचीत के लिए तैयार हैं, बात करना चाहते हैं। तो सब लोगों में फर्क पड़ रहा, भर्ती लगभग बंद हो गई, पथराव लगभग जो जुमे की नमाज के बाद का पथराव वो लगभग बंद हो गया। हमारी कोशिश ये, हम भी बिल्कुल, हमको अच्छा नहीं लगता जब कोई नौजवान मरता है, हम तो उसको वापस लाना चाहते हैं। बहुत सारी सेंटर में उसके बारे में सोचा जा रहा है कि क्या स्कीम हो जिससे वापस आए, लेकिन ये जरूर है कि जब गोली चलेगी सामने से तो उसमें गुलदस्ता नहीं दिया जाता, गोली के बदले में तो जनरल साहब गोली देंगे। जो करीने से झूठ बोला जाता है, मैं सुप्रिया जी से कहूंगा कि हम करीने से सच बोले और अपने लोगों को सच बताएं और उनको खबरें दें कि ये। दूसरी बात आती है मनोरंजन की। जावड़ेकर जी ने सच कहा कि पेट भरने, खाना खाने, इसके बाद उसको मनोरंजन की जरूरत पड़ती है। और यहाँ के इतने जिंदा दिल, इतने अच्छे लोग हैं कि छुट्टी के दिन आप उनको देखिए, कुछ उनके पास नहीं तो आपको मैदानों में खाना लेके बैठे हुए मिलेंगे, पार्क में मिलेंगे। तो उनको कुछ हम दे नहीं पाए, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सिनेमाघर होता है जिसमें चार पांच सिनेमा होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मैं मल्टीप्लेक्स, एक हमारे मित्र हैं उन्होंने बनाने की ठानी है, मुझे लगता है कि वो बन जाएगा। झंडा तुम्हारे पास अपना है, संविधान तुम्हारे पास अपना है। मेरी गाड़ी में जम्मू कश्मीर का झंडा अलग से लगता है राष्ट्रीय ध्वज के साथ। तो थोड़ी सी नेक नियति के साथ हम लोग काम करें। कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो यंगर जनरेशन में, उसकी नाराजगी अगर हम दूर कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो इस पर रिएक्ट करेंगे। मैंने तो सिर्फ इतना बताया कि इतना फर्क हो गया है, दैट्स ऑल। सर, जो इलेक्शन है जो 2019 के बाद की बात की जा रही है, पॉलिटिकल बात मत करिए, अगर मेरी सुननी हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सर, और वो ये है कि आप हर बार ये पूछते हैं कि यात्रा की सिक्योरिटी ये वो, मैं कहना चाहता हूँ यात्रा की सिक्योरिटी कोई जरूरत नहीं। यात्रा कश्मीर के लोग कराते रहें, कश्मीरी कराते रहें, वो फिर भी कराएंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि सब तरफ से ये आ रहा है कि कश्मीर के लोग यात्रा में बहुत सहयोग करें।